नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। खबर यह है कि दोनों देशों के बीच में युद्ध लगातार जारी है और अब यूक्रेन के लवीव से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां रूस ने तेल डिपो पर मिसाइल से हमला किया है, जिसके बाद तेल डिपो में आग लग गई और धुएं का गुब्बार दूर तक दिखाई दिया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने की लगातार कोशिश करते हुए दिखाई दिए। तस्वीर आप देखें किस तरीके से मिसाइल हमले से तेल डिपो पर हमला किया गया। पूरा का पूरा तेल डिपो इसी आग में जलकर राख हो गया। हालांकि दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन पूरा का पूरा तेल डिपो तबाह हो चुका है। और रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 32 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के लड़ाकों को रूसी सेना ने ना तो झुकाया है और ना ही उन्हें हरा पाया है। पुतिन की हर चाल का ज़ेलेंस्की की सेना कैसे दे रही है जवाब, देखिए इस रिपोर्ट। Час істини для кожного з нас, справжніх цінностей і великої мети. यूक्रेन के चार शहर बने जंग के हीरो सिटी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया चार शहरों का सम्मान। रूसी सेना का काल यूक्रेन के रखवाले। ज़ेलेंस्की के लड़ाइया रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को एक महीना बीत चुका है, लेकिन इस जंग में रूसी फौज को जिस अंदाज में यूक्रेन की सेना और नागरिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसे देखकर दुनिया तंग है। यूक्रेन का रूस जैसी महाशक्ति के खिलाफ जंग में एक महीने तक टिके रहना वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना और नागरिकों ने जिस हिम्मत और जज्बे की मिसाल पेश की है, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आलम यह है कि यूक्रेन को डराने के लिए अब रूस उसके खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी देने पर उतर आया है। ये बात खुद साबित कर रही है कि यूक्रेन पर जीत का परचम लहराने के लिए रूसी सेना और खासकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेकरारी और बेसब्री बढ़ती ही जा रही है। खबर के मुताबिक रूसी सेना को इस बात का फरमान दिया जा चुका है कि उसे किसी भी सूरत हाल में 9 मई तक ये जंग जीत लेनी है। 9 मई बेसिकली रशिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे इसलिए माना जाता है कि वो उसे एज अ विक्ट्री डे मानते हैं कि नाजीज के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, हिटलर के खिलाफ उन्होंने अपने आप को आज़ाद किया, एक तरीके से वो जंग जीती थी, तो उसका काफ़ी महत्व है रशिया में और वो इमोशनली इस बात को बहुत ज़्यादा महत्व देते भी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई 9 मई तक चलनी चाहिए, क्योंकि अगर रूस ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है कि फेज़ वन ओवर है, तो अब औपचारिकता रह गई है कि किस तरह क्लोज किया जाए। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, इसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यूक्रेन के शहरों पर किस तरह रूसी सेना कहर बरसा रही है। इस वीडियो को रूसी रक्षा मंत्रालय ने रिलीज किया है। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे रूसी सेना के एक हमले के दौरान यूक्रेन की राजधानी कीव के पास उसका सबसे बड़ा तेल का डिपो तबाह हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने 24 मार्च को कीव के बाहर कालीनोवा इलाके में मौजूद इस तेल डिपो को तबाह कर दिया। रूसी सेना ने अपनी कैलिब्र मिसाइल से इस तेल डिपो को निशाना बनाया।
Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей. दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जंग आला और अधना के बीच की जंग है। एक तरफ खौफनाक हथियारों और परमाणु बमों से लैस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत रूस खड़ा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन है जो किसी भी सूरत में रूस के सामने कहीं नहीं ठहरता। तराजू का पल्ला हर लिहाज से रूस की तरफ ही झुका है, लेकिन फिर भी एक महीना बीत जाने के बाद भी रूस यूक्रेन को ना तो झुका पाया और ना ही उसे हरा पाया। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के खिलाफ यूक्रेन जिस तरह से जंग लड़ रहा है, उसके पीछे यूक्रेनी सेना और उसके नागरिकों की हिम्मत और हौसला ही है। इस हकीकत का सबसे बड़ा सबूत बना है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का एक ऐलान। दरअसल रूस के खिलाफ जंग के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के चार शहरों को हीरो सिटी ऑफ यूक्रेन का सम्मान देकर सम्मानित किया है। ये चार शहर हैं बुचा, इरपिन, निकोलाइव और अख्तरिया। इसके अलावा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के नेशनल गार्ड के 7 जांबाजों को भी हीरो ऑफ यूक्रेन अवार्ड से सम्मानित किया। इनमें से 5 लोगों को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया। रूसी टैंक स्ट्रेलियाले पो ज़ापोरिज़्की एटमनी स्टांसी। Росія ударила ракетами по Бабиному Яру, зруйнувала вже більше 230 шкіл і 155 дитячих садочків, вбила 128 дітей, била ракетами по університетах, спалює з реактивної артилерії житлові квартали, цілі міста, села, просто в попіл. रूसी फौज की दिन रात की बमबारी से लोगों के आशियाने एक पल में खाक हो रहे हैं और शहर के खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें चुटकियों में मलबे में तब्दील होती जा रही हैं। लेकिन आसमान से बरसता रूसी फौज का बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर नहीं तो यूक्रेन से आई इन तस्वीरों पर जरा एक नजर डाल लीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि पिछले चंद दिनों में रूसी सेना की बमबारी के बाद यूक्रेन के शहरों और लोगों का क्या हाल है। लोगों की चहल पहल से गुजार रहने वाली कीव की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा, शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और दहशत के सन्नाटे को तोड़ती मातम बनाते लोगों की सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। लेकिन बावजूद इसके यूक्रेनी सेना और यूक्रेन के नागरिक बड़ी ही बहादुरी का सबूत देते हुए रूस की फौज का सामना कर रहे हैं। आलम यह है कि जंग शुरू हुए एक महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है, एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चेबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उनमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। डिलेज की बात करें तो यस, डिले ज़रूर हुआ है और ऐसा समझा जाता है कि स्ट्रेटजी ये भी रही होगी कि किसी भी वजह से इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा आएगा यूक्रेन और रशिया के ऊपर कि ये लड़ाई 10-15-20 दिन के अंदर रोक ली जाएगी। मुझे लगता है वर्ल्ड कम्युनिटी ने भी इसमें फेल हुई है। यूक्रेन अपने आप में स्टिफ रेजिस्टेंस दे रहा है, रशिया अपने आप में खूब ज्यादा बमबारी कर रहा है, घातक बमबारी कर रहा है।
दरअसल कीव की हिफाजत में यूक्रेनी सेना के साथ साथ कीव के मेयर विताली किस्को खुद भी डटे हुए हैं। विताली कीव के अंदर और बाहर मौजूद यूक्रेनी सेना के हर मोर्चे और हर बंकर में तैनात जवानों की हौसला अफजाई के लिए खुद उनसे मिलने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विताली कीव शहर में मौजूद यूक्रेनी नागरिकों से भी मिल रहे हैं और उन्हें यह भरोसा दिला रहे हैं कि रूस के खिलाफ जंग में जीत यूक्रेन के हौसले और हिम्मत की ही होगी। Дорогі кияни, місяць вже Україна протистоїть російському агресору. Вже місяць героїчно б'ються наші захисники. Ворог намагається знищити наші міста, вбиває мирних мешканців. Життя кожного українця перевернулось. Хтось зі зброєю в руках захищає країну. Хтось втратив домівку і покинув рідне місто чи рідну країну. А хтось, найтрагічніше, втратив своїх рідних. कीव के मेयर विताली किल्स्को के मुताबिक रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए आम शहरी भी हथियार उठा चुके हैं, लेकिन इसके लिए कीव को बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। दरअसल रूसी सेना लगातार कीव पर बमबारी कर रही है, जिसकी वजह से पूरे शहर में तबाही और बर्बादी का ही मंजर नजर आ रहा है। Поранено 307 цивільних і 16 дітей. दरअसल कीव का मेयर बनने से पहले विताली किल्स्को पेशेवर मुक्केबाज रह चुके हैं। विताली 2014 से कीव के मेयर हैं। विताली के पिता सोवियत संघ की एयरफोर्स में मेजर जनरल थे। विताली की पत्नी नतालिया एक मॉडल है और उनके तीन बच्चे हैं। विताली साल 2006 से 2015 तक बॉक्सिंग के हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। विताली ने अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर में 47 बाउट्स लड़े, इनमें से उन्होंने 45 में जीत हासिल की और महज 2 बाउट्स ही हारे। विताली को बॉक्सिंग सर्किट में डॉक्टर आयरन फिस्ट यानी लोहे की मुट्ठी वाला डॉक्टर कहा जाता था। 2021 में विताली को इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। आज की तारीख में विताली किल्स्को एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं, एक ऐसी मिसाल जो कीव के बाशिंदों के अलावा पूरे यूक्रेन के नागरिकों को रूसी सेना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की उन महिला लड़ाकों की तस्वीर शेयर की है जो रूसी सेना के खिलाफ इस जंग में शामिल है। यूक्रेनी सेना ने इस तस्वीर को यूक्रेनी सेना की लड़कियों और खूबसूरती और शक्ति जैसे टाइटल दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, यूक्रेनी सेना ने कीव के बाहरी इलाकों में लड़ रहे उन अमेरिकी लड़ाकों का वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये कीव क्षेत्र में युद्ध के मैदान में वो अमेरिकी स्वयंसेवक हैं जिन्होंने एक महीने से रूस के कब्जे में रहे एक गांव को आजाद कराया है। यूक्रेन की सेना ने कुछ वीडियोज के द्वारा दिखाया है कि अमेरिकन वॉलंटियर्स लड़ाई को ज्वाइन कर चुके हैं। मैं वैसे बता दूं, काफ़ी और वॉलंटियर्स भी आए हैं, इवन इंडिया से भी कुछ लोगों ने वॉलंटियर करने की बात करी है, लेकिन अभी तक शायद वो जा नहीं पाए हैं। इस तरह के कि इंफॉर्मेशन और प्रोपोगंडा वॉरफेयर लड़ाई में होना बड़ी जायज़ बात है और मुझे लगता है कि यूक्रेन वही कर रहा है। ये रूसी सेना पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता यूक्रेन की सेना का एक टैंक है। यूक्रेन का दावा है कि इस टैंक को उसने रूसी सेना की एक टुकड़ी से छीना है। उसके अलावा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक और वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में कीव से कुछ दूरी पर रूसी सेना के चलते हुए टैंक्स और वाहन देखे जा सकते हैं। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक इस जंग में रूस की तुलना में यूक्रेन के पास कम टैंक थे, लेकिन जंग के दौरान यूक्रेनी सेना ने रूस के कई टैंक पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से उसके पास अब पहले के मुकाबले ज्यादा टैंक हो गए हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक यूक्रेन अब तक रूस के 117 टैंक पर कब्जा कर चुका है। इनमें से कई टैंकों का तेल खत्म हो चुका था या फिर रूसी सेना उन्हें छोड़कर भाग गई थी। यूक्रेन इनमें से कई टैंकों का इस्तेमाल रूसी सेना के खिलाफ कर रहा है। इस जंग में अब तक यूक्रेनी सेना अपने 74 टैंक गंवा चुकी है। इनमें से 37 टैंक पर
रूसी सेना ने कब्जा किया है। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस जंग में अब तक रूसी सेना के 15 बड़े अफसर मारे जा चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग में रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर तबाही का बारूद बरसा रही है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन की सेना भी रूस के सामने डटी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि रूसी सेना को जंग में भयानक नुकसान हुआ है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूसी सेना के सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया है और सैकड़ों को युद्धबंदी बना लिया है। रशिया को काफी टाइम लग रहा है कि वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहा, कीव के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहा, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा समझा जाना कि रशिया ओवर कॉन्फिडेंट रहा होगा शायद गलत होगा, क्योंकि जब आप लड़ाई की स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं तो उसमें अप्स एंड डाउन ज़रूर होते हैं। स्ट्रेटजिक डिसीजन ज़रूर रहा होगा कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स पहले लेने हैं, कुछ बाद में। कीव के ऊपर इमीडिएटली कब्जा करने की स्ट्रेटजी मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक समझदार फोर्स को करनी होगी। यूक्रेन पर मौजूदा हमले में रूस का असल मकसद था यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे बड़े शहरों पर जल्द से जल्द कब्जा करना और इसके बाद ज़ेलेंस्की सरकार का इस्तीफा, लेकिन इस मकसद में रूस साफ तौर पर नाकाम रहा है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन, इन दोनों ही देशों की सेनाओं के मनोबल में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के लोग अपने देश के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के सैनिकों की तादाद रूस के सैनिकों के मुकाबले कहीं कम है, लेकिन बावजूद इसके वो अपने हथियारों का इस्तेमाल रूसी सेना की तुलना में बेहतर तरीके से कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना की हिट एंड रन रणनीति कारगर साबित हो रही है। उनका मानना है कि अब रूस सिर्फ एक ही सूरत हाल में ये जंग जीत सकता है, और वो है कि अगर यूक्रेन के हथियारों की आपूर्ति रोकी जाती है तो यूक्रेन ज्यादा समय तक रूस के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका समेत दुनिया के कई और देश यूक्रेन की सेना को लगातार हथियार मुहैया कर पा रहे हैं, यानी ये जंग अभी लंबी खिंचने वाली है। और अब से कुछ देर पहले ही रूसी सेना ने राजधानी कीव पर जबरदस्त हमला बोला है, लेकिन जिस तरह कीव के लड़ाके अपनी राजधानी की हिफाजत कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। यूक्रेन के जाबाज कीव के किले को न सिर्फ ढहने से बचा रहे हैं बल्कि कीव पर रूसी सेना के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। कीव का किला कीव पर भीषण प्रहार, फिर भी रूस नाकाम। कब्जे की जंग हुई तेज, कीव के लड़ाके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस हकीकत से अनजान नहीं है कि भले ही रूसी फौज पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमा ले, लेकिन जब तक वो कीव पर अपना परचम नहीं लहरा देती तब तक उनकी जीत अधूरी है। लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी कीव को बचाने की जंग जारी रखे हुए हैं। रूसी फौज पहले ही दिन से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए बेकरार थी,
लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ भी व्लादिमीर पुतिन का कीव पर कब्जे का मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है। कीव पर रूसी फौज हर रोज कहर बरसा रही है। आलम ये है कि शहर के कई हिस्सों से रूसी बमबारी के बाद काले धुएं का गुबार उठता दिख रहा है, कुछ इस कदर कि क्षितिज पर ठहरा सूरज भी इसके पीछे छिपा नजर आता है। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है, एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को तीन तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चाबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उनमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। कीव के मेयर विताली क्लत्स्को के मुताबिक रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए आम शहरी भी हथियार उठा चुके हैं। विताली साल 2006 से 2015 तक बॉक्सिंग के हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और कीव की जंग में वो शहर की सड़कों और दूसरे मोर्चों पर घूमते हुए फौजियों और कीव के नागरिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। रूसी फौज की दिन रात की बमबारी से लोगों के आशियाने एक पल में खाक हो रहे हैं और शहर की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें चुटकियों में मलबे में तब्दील होती जा रही हैं। लेकिन आसमान से बरसता रूसी फौज का बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर यकीन नहीं होता तो यूक्रेन से आई इन तस्वीरों पर जरा एक नजर डाल लीजिए, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि पिछले चंद दिनों में रूसी सेना की बमबारी के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके लोगों का क्या हाल है। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली कीव की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा है। शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग नजर आते हैं और दहशत के सन्नाटे को तोड़ती मातम मनाते लोगों की सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। कीव पर आसमान से रूसी सेना का कहर टूट रहा है, शहर के कई हिस्से खंडहर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कीव के नागरिकों का हौसला नहीं टूटा है। आसमान से बरसते रूसी बारूद के बीच भी कीव के नागरिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कीव के सेंट्रल स्क्वायर में 1.5 लाख लिली के फूलों से यूक्रेन के राष्ट्रीय चिन्ह को बनाया। दरअसल यूक्रेन का राष्ट्रीय चिन्ह नीले रंग की एक ढाल पर बना हुआ सुनहरा त्रिशूल है। ये कीव के पहले राजा व्लादिमीर द ग्रेट के राज्य का प्रतीक है। Создаем таким образом людям настроение, а эти цветочки потом разведим в больницах, всем женщинам. Продолжаем жить той жизнью, как в мирное время. Дети и внуки должны радоваться приходу весны, свободному дыханию. И мы себя чувствуем уверенно, и мы не боимся. Мы не боимся ни врага, и нам... कीव पर रूस की सेना अभी तक कब्जा नहीं कर पाई है और उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना की रणनीति और हौसला। कीव की हिफाजत कर रहे यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि दुश्मन लगातार कीव पर जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। І на третій день ми змогли вибити противника з населеного пункту. Колона рухалася на підкріплення своїх сил основних. Ми завчасно зайшли до них в тил, замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу паску. Вони підірвались на темках. Потім ми їх накрили артилерією. Вони змушені були відійти до своїх позицій. यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव पर कब्जे की जंग में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेनी सेना बाकायदा रूसी सेना की बर्बादी की तस्वीरें लगातार जारी भी कर रही है। सेला
роблять там блокпости, намагаються рухатись все далі і далі. Наскільки вони не можуть рухатися далі і далі, вони відступають і залишають за собою техніку, поранених своїх, залишають своє майно, боєприпаси, зброю. अमेरिका का कहना है कि कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना शहर के बाहर इकट्ठा हो रही और रूस की इस नई रणनीति को मैक्सर टेक्नोलॉजी ने बेनकाब कर दिया है। दरअसल मैक्सर टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट रूसी सेना की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। पेंटागन के मुताबिक फिलहाल रूसी सेना बोरोदेंका के जंगल में बिखर गई है और कस्बों और गाँवों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जब भी यूक्रेन के सैनिक उनकी पोजीशन पर हमला करते हैं तो वो दिशा बदल देते हैं। इसके अलावा यूक्रेन सेना की एक खुफिया टीम चुन चुनकर रूस के हाई प्रोफाइल जनरल, पायलट और आर्टिलरी कमांडरों को निशाना बना रही है। जानकारी के मुताबिक जंग में शामिल रूस के करीब 20 जनरलों में से 5 मारे जा चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना के भारी नुकसान को देखते हुए कीव के बाहर किलेबंदी शुरू करवा दी और फिलहाल रूसी सेना डिफेंसिव मोड में चली गई। मैक्सर टेक्नोलॉजी की जारी तस्वीरों को माने तो रूसी सेना कीव के ओजेरा गांव के पास ट्रेंचेस खोद रही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस जगह पर रूस अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स को छुपाएगा। जानकारों के मुताबिक रूस एयरबॉर्न यूनिट सड़क और ट्रेन के माध्यम से हथियार भेज रहा है, लेकिन उसके पास उन्हें रखने का ठिकाना नहीं है। कीव की जंग में रूसी सेना को ये समझ आ गया है कि वो कीव पर आसानी से कब्जा नहीं कर पाएगी, लिहाजा पुतिन ने अपनी सेना की बचाव के लिए ये किलेबंदी करनी शुरू की है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक कीव को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि कीव शहर को जानने वाले इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। दरअसल कीव शहर के नीचे शहर से जुड़ा सबसे बड़ा राज छिपा है। ये एक ऐसा राज है जिसकी बुनियाद सोवियत रूस के दौर में रखी गई थी। कीव शहर के नीचे सुरंगों का ऐसा जाल बना हुआ है जिनमें शहर के लोग और यूक्रेनी फौज महीनों तक छिपकर रूस के खिलाफ जंग जारी रख सकते हैं। ये सुरंगों की ऐसी भूल भुलैया है जिसमें लोग भटक भी सकते हैं, लेकिन इस भूल भुलैया को जानने वाले इन सुरंगों में से एक जगह से घुसकर शहर के दूसरे हिस्सों से बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल इन सुरंगों का इस्तेमाल शहर के पानी की निकासी के लिए किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन सुरंगों को जानने वाले जानते हैं कि यहाँ सालों पहले बने रूसी सेना के वो बंकर भी मौजूद हैं जिनमें आसानी से छिपा जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि अब ये जंग गुरिला वॉर की तरफ बढ़ रही है और रूसी सेना भले ही कीव में घुस जाए, लेकिन उसके लिए कीव शहर पर नियंत्रण कर पाना काफी मुश्किल रहने वाला है। गुरिल्ला वॉरफेयर की बात है तो मेरा मानना है कि ये बड़ा मुश्किल वॉर होता है। जब भी होता है गुरिल्ला वॉरफेयर आसान नहीं होता है। हमने श्रीलंका में देखा, हमने और भी जगह देखा, बड़ी फोर्सेस के लिए जो रेगुलर फोर्सेस हैं उनको इसमें दिक्कत आती है। इसी तरह अर्बन वॉरफेयर होता है। तो अभी ये अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो प्लान है कि किस तरह से जो लोगों को आर्म्स दिए जाएँ, जेलेंस्की ने खुद कहा है कि लोगों के पास आर्म्स हों और लड़ें सोवियत, लेकिन अभी इससे और ज़्यादा कैजुअल्टी होगी क्योंकि जो लोग अगर आर्म्स के साथ में लड़ेंगे तो वो वॉर सोल्जर माने जाते हैं, तो फिर वो सिविलियंस की तरह ट्रीट नहीं किए जाते। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि उसने राजधानी कीव और अपने नागरिकों की सुरक्षा का हर मुमकिन इंतजाम कर रखा है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक रूसी हमले से बचने के लिए उसने कीव में 3,000 बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं। यूक्रेन में पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंडरग्राउंड नेटवर्क मौजूद है। यूक्रेन की सरकार ने साल 2014 से अपने मेट्रो स्टेशनों में जंग के हालात में उन्हें बॉम्ब शेल्टर की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी थी।
यहां तक कि शहर की मेट्रो के 52 में से 47 सब स्टेशनों को शहर के लोगों को रूसी फौज की बमबारी से बचाने के लिए बॉम्ब शेल्टर में तब्दील कर दिया गया है। इन बंकरों में हजारों लोग छिपकर महफूज रह सकते हैं। नीपर नदी के नीचे बनी एक मेट्रो लाइन के जरिए भी शहर के दोनों हिस्से आपस में जुड़े हैं। कीव में सबसे पहला मेट्रो सबवे 1960 में तैयार कर दिया गया था। रूसी सेना के लिए हर गुजरते लम्हे के साथ कीव की जंग मुश्किल होती जा रही और जिस तरह से कीव के लड़ाके कीव की हिफाजत कर रहे हैं उसे देखते हुए लगता है कि रूस के लिए कीव के किले को ढहाना नामुमकिन होता जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मारीपोल के मेयर ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि रूस जबरन लोगों को मारीपोल से रूस भेज रहा है। अब तक 20 से 30 हजार लोगों को मारीपोल से जबरन रूस के कब्जे वाले इलाके में भेजा गया है। ये मारीपोल शहर के मेयर की तरफ से बड़ा दावा। आसमान में धुएं का गुबार है। जमीन पर धमाकों से पूरा शहर छलनी हो गया है। रूसी फौज यूक्रेन पर कब्जे के लिए रातों दिन तबाही की नई कहानी लिख रही है। पूरा यूक्रेन इस वक्त चल रहा है। पुतिन के सैनिक लड़ाके ज़ेलेंस्की को छुपाने के लिए युद्ध की नई नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन के दो शहर जिस पर बाज की तरह पुतिन की आंखें टिकी हैं, वहां मंजर भले ही बिखरे हुए मलबे, उठते हुए धुएं, घुटती हुई सांसों का हो, लेकिन यूक्रेन के दो शहरों ने पुतिन की नींद उड़ा दी है। इन दो शहरों पर कब्जे की कहानी जिस दिन फिनिश होगी, महायुद्ध का अंत उसी दिन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मारियुपोल और राजधानी कीव में यूक्रेन की जाबाज सेना अपने से कई गुना ताकतवर रूसी सेना से लोहा ले रही है। А ми чуємо це годинами, днями, тижнями. Наші люди чують це постійно. І одразу беруть дітей, допомагають старим, йдуть в укриття, у підвали, щоб पुतिन की लाख चाहतों के बावजूद मारियुपोल और कीव पर पुतिन के कब्जे का सपना अधूरा है। लेकिन सवाल है, कीव तो राजधानी है, मारियुपोल में ऐसा क्या है जहां रूसी सेना आधिपत्य जमाने के लिए बेचैन और बेकरार है? राजधानी कीव से मारियुपोल की दूरी करीब 781 किलोमीटर है, लेकिन हालात दोनों के एक जैसे हैं। मतलब दोनों शहर रूसी फौजों को अपने ऊपर काबिज होने से रोकने में अब तक सक्षम है। लेकिन फिलहाल उस सवाल का जवाब तलाशते हैं जिसके पीछे मारियुपोल पर कब्जे की पुतिन की प्लानिंग है। मारियुपोल की सड़कों पर रूसी टैंक उतर चुके हैं। रूस लगातार हमले किए जा रहा है। रूस ने शहर में घेराबंदी कर दी है।
इस घेराबंदी के बाद मारियोपुल में बिजली, पानी और गैस की सप्लाई बंद हो गई है। राजधानी कीव में कब्जा करने में असफल रहे रूस के निशाने पर यूक्रेन का मारियोपुल शहर क्यों है? यहां कब्जा करके रूस क्या साबित करना चाहता है और इसके क्या मायने हैं? ये समझने के लिए मारियोपुल शहर को जानना होगा, इसके भूगोल और इतिहास को समझना होगा। मारियोपुल यूक्रेन का बंदरगाह शहर है। अजोव सागर के तट पर बसा मारियोपुल यूक्रेन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। रूस से हथिया कर इस बंदरगाह से होने वाले व्यापार पर कब्जा करना चाहता है। ऐसा करके रूस आर्थिक तौर पर यूक्रेन की कमर तोड़ना चाहता है। इतना ही नहीं, पुतिन मारियोपुल पर कब्जा करके एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश में है। पूर्वी हिस्से का डोनेस्क और लुहांस्क पहले ही रूस समर्थित अलगाववादियों के नियंत्रण में है। अगर रूस मारियोपुल पर कब्जा कर लेता है तो वो इन दोनों क्षेत्रों और खुद के नियंत्रण वाले क्राइमिया के बीच सड़क मार्ग स्थापित कर पाएगा। रूस ने 2014 में क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। मतलब ये कि रूस अपने मंसूबे में सफल होता है तो यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह मारियोपुल पर उसका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि रूस का ये सपना आज का नहीं है, वो 2014 से यही चाहता है, जिसे वो अब अंजाम दे रहा है। लेकिन यूक्रेन की सेना जान की बाजी लगाकर शहर को अब तक रूसी कब्जे में जाने से बचाने में कामयाब है। मारियोपुल में विध्वंस बढ़ता जा रहा है, अब तक 40,000 लोग शहर छोड़ चुके हैं। रूस ने किस हद तक मारियोपुल में घेराबंदी की है, इसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बयान से समझा जा सकता है। नौ रूसीस्किह प्रोपेगेंडिस्टव सेगोड्न्या довольно сложная задача, ведь впервые в истории президент иностранного государства выступал в Кнессете по видеозаписи и перед народом Израиля. Президент Украины, которого в Москве обвиняют в нацизме, выступал в Кнессете перед народом Израиля. Уже один этот факт подтверждает, насколько в Москве... तो दोनों देशों के बीच में जारी युद्ध का आज 32वां दिन है। ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है और कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे युद्ध की तारीख बढ़ती जा रही है, परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई बार परमाणु हमले की धमकी खुद पुतिन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। धमाके भी बहुत छोटे हैं। अगर विश्व युद्ध होगा तो धमाके भी उतने ही बड़े होंगे, जोरदार होंगे। तोप के गोलों से लेकर मिसाइल के हमलों तक और फिर नॉबल न्यूक्लियर अटैक तक आ सकती है, क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग अगर विश्व युद्ध की तरफ बढ़ी तो उसके बाद परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर युद्ध की बातें ख्याली बातें नहीं, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। खुद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत फेल हो गई और सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए तो यूक्रेन में चल रही लड़ाई दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाएगी। They'll children. You cannot reverse this situation anymore. So you cannot just demand from Ukraine to recognize some territories as independent republics. These compromises are simply wrong. I cannot recognize, firstly, as a president, secondly, as a citizen, and thirdly, you cannot force people to love the enemy. That's impossible. What you can do is to make a pause and just decide on how we are going.
ज़ेलेंस्की ने जब विश्व युद्ध का जिक्र किया तो उधर ब्रिटेन से ऐसी तस्वीरें आने लगी जिससे साबित होता है कि पूरा यूरोप इस वक्त बारूद नहीं परमाणु बम के ढेर पर बैठा हुआ है। ये ट्रक देखिए, ये ब्रिटेन की सेना के काफले का हिस्सा है। रिपोर्ट है कि इस ट्रक में 6 न्यूक्लियर बम ले जाए जा रहे हैं। लोकेशन है ब्रिटेन का ग्लासगो सिटी सेंटर। ये न्यूक्लियर बम रॉयल नेवी के आर्म्स डिपो में ले जाए जा रहे हैं। पूरे यूरोप में इस वक्त परमाणु अलर्ट जारी है क्योंकि रूस ने भी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर के करीब स्लोवाकिया में अपना एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट भी तैनात कर दिया है। इससे रूसी विमानों और छोटी दूरी के मिसाइलों को रोका जा सकता है। यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने के लिए तो नेटो तैयार नहीं हुआ, लेकिन रूस के खतरे को देखते हुए उसने अपनी तैयारी तेज कर दी है, जिससे शक होता है कि ये जंग यूक्रेन के आगे भी बढ़ सकती है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की वार्निंग और यूरोप में परमाणु बम की मूवमेंट, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। मामला कितना ज्यादा गंभीर है इसे रूस की उस मिसाइल हमले से समझा जा सकता है जिसे पुतिन रूस का सबसे खतरनाक हथियार बता चुके हैं। देखिए रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का यूक्रेन के मिलिट्री अड्डे पर अटैक। Организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. व्लादिमीर पुतिन बहुत साफ साफ शब्दों में कह चुके हैं कि रूस एक बड़ी परमाणु पावर है और उनकी इस बात को अगर रूस की केंजल मिसाइल से जोड़ा जाए तो खतरा एक नई बुलंदी पर पहुंच जाता है, जिसका नतीजा यूक्रेन, यूरोप या रूस ही नहीं दुनिया को तबाही तक ले जा सकता है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल केंजल कैसे इसका ट्रिगर पॉइंट बन सकती है अब वो देखिए। किंजल मिसाइल को रूस ने पिछले कुछ वर्षों में तैयार किया है। ये रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट MiG-31 से दागी जाती है। MiG-31 खुद आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ता है। ये MiG-25 का नया वर्जन है जो कभी रूस का एक टोही विमान था। MiG-25 भारत के पास भी था और ऐसे 8 फाइटर जेट बरेली एयरबेस पर तैनात थे। अभी MiG-31 रूस की स्ट्रैटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये विमान अब हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया गया है, जिसकी वजह से रूसी एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। इस मिसाइल के खतरे को तफसील से समझिए। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रूस की इस्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति मिनट। ये मिसाइल 2,000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल को MiG-31 की बेली यानी एयरफ्रेम के निचले हिस्से में इंजन के बीचों बीच फिट किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस लगाई जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि MiG-31 जिसकी खुद की अधिकतम रफ्तार 3,000 किलोमीटर है, उससे इस मिसाइल को फायर किया जाता है और ये 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। तो इसे इंटरसेप्ट करना यानी इसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन सी बात है। व्लादिमीर पुतिन ने एक वक्त किंजल को रूस का सबसे खतरनाक और गेम चेंजर हथियार बताया था और अब उसकी बोनी वो यूक्रेन के युद्ध में कर चुके हैं। А также из воздушного пространства на территории Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база. जिस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से यूक्रेन के ठिकाने पर हमला किया गया, तब रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां यूक्रेन की स्पेशल फोर्स और मिलिशिया के कई दस्ते मौजूद थे।
रूस का दावा है कि किंजल के अटैक में यूक्रेन के 100 से भी ज्यादा सैनिक या मिलिशिया मारे गए हैं। रूस इस वक्त यूक्रेन में अपनी जिन 3 बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है उनमें विमान से लॉन्च की जाने वाली किंजल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। वहीं जमीन से जमीन पर वार करने वाली इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है और तीसरी है क्रूज मिसाइल कैलिबर जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है। अभी रूस ने यूक्रेन में कैलिबर मिसाइल का 250 किलोमीटर वाला वर्जन इस्तेमाल किया है और इसने कीव से लेकर खार्किव में बहुत से हमलों को अंजाम दिया गया है। युद्ध के शुरुआती दिनों में रूस ने इस मिसाइल से बहुत हमले किए। अब रूस काला सागर में तैनात अपने जंगी जहाजों से भी मारियुपोल और ओडेसा में इसी कैलिबर मिसाइल से अटैक कर रहा है। इन हमलों में एक ही दिन में रूस ने जो यूक्रेन की सेना को नुकसान पहुंचाया है उनमें 60 मिलिट्री ठिकाने हैं, 3 कमांडो पोस्ट हैं, 1 मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, आर्टिलरी के 2 डिपो हैं, 1 फ्यूल डिपो है, जबकि 52 ऐसी जगह हैं जहां यूक्रेन की सेना ने अपना गोदाम बनाया हुआ था। रूस ने यूक्रेन में अपनी बड़ी हवाई ताकत झोंकी हुई है। इसमें उसके सुखोई 35 फाइटर जेट भी शामिल हैं, जो लगातार अटैक सॉर्टीज यानी उड़ान भर रहे हैं। कीव और खार्किव के आसपास रूसी फौज को कवर देने के लिए कैमोव 52 अटैक हेलीकॉप्टर की भी लगातार मदद ली जा रही है। एंटी टैंक मिसाइलों विखर के अलावा एयर टू एयर मिसाइल और 80 मिलीमीटर के रॉकेट से लैस ये हेलीकॉप्टर 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये कैमोव 52 को इस कैटेगरी में दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर बना देती है। अब तक रूस की अटैक फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा कामयाब हेलीकॉप्टर साबित हुआ है। रूस ने अपने कुछ Mi-35 और Mi-24 हेलीकॉप्टर जरूर खोए हैं, लेकिन इक्का दुक्का नुकसान के अलावा कैमोव 52 हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। कैमोव ने यूक्रेन में कई मिशन अंजाम दिए हैं। डबल रोटर यानी ऊपर नीचे रोटर सिस्टम वाले इस हेलीकॉप्टर की पूंछ में पंखा नहीं लगा होता। रूसी फौज को क्लोज एयर सपोर्ट में इनका रोल अहम रहा है। यूक्रेन में इनके बिना रूस की टैंक मूवमेंट सुरक्षित नहीं मानी जाती है। रूसी फौज की इन तस्वीरों और जेलेंस्की के साथ पुतिन की बयानबाजी से साफ है कि यूक्रेन युद्ध अभी खत्म नहीं होने जा रहा। दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है। जेलेंस्की सरेंडर नहीं करेंगे, ये तय हो चुका है। वहीं पुतिन की बमबारी तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो जेलेंस्की को घुटने के बल बैठने पर मजबूर न कर दे। अभी जेलेंस्की के सामने उनके तबाह होते शहर हैं। कीव से लेकर खार्किव और मारियुपोल रूसी बमबारी में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। सवाल है कि क्या पुतिन का ये गुस्सा यूक्रेन तक रुकेगा या आगे बढ़कर इस जंग को विश्व युद्ध में तब्दील कर देगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को लेकर रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस ने यूक्रेन के 18 ड्रोन, 67 सैन्य ठिकाने बर्बाद करने का दावा किया है। साथ ही लवीव में तेल डिपो तबाह करने का दावा भी यहां पर किया गया है। यूक्रेन के 18 ड्रोन मार गिराए गए हैं, ये बड़ा दावा रूस की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही लवीव में तेल डिपो को आग के हवाले कर दिया गया है। इसके साथ ही 67 सैन्य ठिकाने रूसी हमले में बर्बाद हुए हैं, ये बड़े दावे यहां पर किए गए हैं रूस की तरफ से। यूक्रेन को लेकर रूस की जो रणनीति है, जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, उसमें नुकसान कितना पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर रूस बड़े बड़े दावे करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस अब सैन्य ठिकानों के साथ साथ तेल डिपो को तबाह करने को लेकर है और ऐसे में हमले लगातार तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं रूस की तरफ से। आज दोनों देशों के बीच में महायुद्ध का 32वां दिन है, लेकिन अभी तक किसी तरीके का कोई हल या बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो कि सीधे तौर पर पुतिन को सख्त चेतावनी देते हुए ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द आप सत्ता से बेदखल होंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, राली में इमरान खान पहुंचे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राली में पहुंचे हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। राली की शुरुआत कुछ देर पहले हुई थी और ऐसे में अब इमरान खान पहुंच चुके हैं, ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बता दें। साथ ही तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भारी हुजूम इस रैली में नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस रैली में 10 लाख लोग पहुंचेंगे।
हालांकि अभी तो भीड़ नजर आ रही है, लेकिन इस मंच के जरिए क्या कुछ बड़ा अनाउंसमेंट इमरान खान की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि संभावना यह भी है कि इस रैली के जरिए वो इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कल अविश्वास प्रस्ताव पेश होना है, 3 और 4 अप्रैल को वोटिंग होनी है, ऐसे में क्या इमरान खान इस रैली के जरिए इमोशनल कार्ड खेलेंगे, क्या शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस रैली को देखा जाए, इस मंच के जरिए क्या कुछ बड़ा संदेश वहां की आवाम को देंगे इमरान खान, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन ये रैली स्थल से तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से हाथ में झंडा लिए हुए तमाम कार्यकर्ता लोग वहां पर पहुंचे हैं। इससे पहले कई वीडियोज के जरिए इमरान खान जनता से अपील करते हुए नजर आए थे कि वो इस रैली में जरूर पहुंचे, और सभी को इंतजार, सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि इस मंच के जरिए इमरान खान की तरफ से क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि विपक्षी दलों पर लगातार हमलावर होते हुए वो नजर आ रही है कि किस तरीके से प्रलोभन के जरिए, धन के जरिए, पैसों के जरिए सत्ता को उखाड़ फेंकने की साजिश विपक्ष की तरफ से रची जा रही है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो कि कल पेश किया जाएगा, वोटिंग 3 और 4 अप्रैल को होगी।